गाइस वेलकम टू द गैजेट शो एंड आज चलिए बात कर लेते हैं ऑक्टावी ओएस 2.3 वर्जन के बारे में जो कि ऑक्टावी रोम का एकदम से ही लेटेस्ट बिल्ड है एंड इस अपडेट के साथ हमें काफी सारे न्यू चेंजेस भी देखने को मिल जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए स्टार्ट कर लेंगे यहाँ पे लॉन्चर के साथ। तो लॉन्चर यहाँ पे काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिव है एंड फ्लूइड है एंड यहाँ पे हमें पिक्सल लॉन्चर ही देखने को मिल जाता है जैसे कि आप होम सेटिंग में देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ज्यादा कस्टमाइजेशन तो देखने को नहीं मिलता लेकिन ये काफी फ्लूइड है जो कि आपके यूजर एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा एनहांस करता है। अगर बात कर ले यहाँ पे रीसेंट मेन्यू के बारे में तो आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट एंड सिलेक्ट दोनों ऑप्शन ही देखने को मिल जाते हैं एंड स्टैंडर्डली अवेलेबल है। लेकिन ये रोम दूसरे यूएसपी रोम से काफी ज्यादा डिफरेंट है क्योंकि इस रोम का जो यूआई है ये वन ऑफ द मोस्ट यूनिक रोम्स में से एक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर QS पैनल की बात कर ले तो QS पैनल यहाँ पे काफी ज्यादा फीचर रिच है एंड साथ ही साथ ये जो UI है ये टिपिकल किसी भी USB ROM के साथ मैच नहीं करता एंड जो आइकन स्टाइल यहाँ पे यूज किया गया है ये ऑक्सीजन OS का आइकन स्टाइल है। इनफैक्ट अगर बात कर ले तो यहाँ पे ऊपर हमें एक पिल स्टाइल क्लॉक देखने को मिल जाता है एंड साथ ही साथ यहाँ पे वेदर भी शो होता है। यहाँ पे हमें काफी सारे टाइल्स देखने को मिल जाते हैं जो कि एकदम प्रॉपरली वर्किंग भी है। इसे अगर एक्सपैंड कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लोकेशन बैटरी सेवर के साथ साथ आपको यहाँ पे गेमिंग मोड एंड CPU इंफॉर्मेशन के लिए भी डेडिकेटेड टाइल देखने को मिल जाते हैं जो कि ब्रिलियंट है। इनफैक्ट आप यहाँ से इसे रीसेट भी कर सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं सेटिंग मेन्यू के बारे में। तो सेटिंग मेन्यू में आप देख सकते हैं जो UI है ये फिर से काफी ज्यादा यूनिक है एंड काफी ज्यादा मैच करता है वन UI से क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे एकदम ऊपर वन UI की तरह ही हेलो आपका यूजर नेम यहाँ पे नीचे लिखा रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरे गैजेट शो अकाउंट से लॉगिन है तो यहाँ पे गैजेट ऐसे फर्स्ट नेम शो हो रहा है तो वैसे ही आपका नाम भी यहाँ पे शो होगा। इनफैक्ट आप देख सकते हैं ये जो एंटायर मेन्यू है ये कार्ड स्टाइल में प्रेजेंट किया गया है तो यहाँ पे कार्ड लाइक बैकग्राउंड आप नोटिस कर सकते हैं। यहीं पर इसका यूनिकनेस खत्म नहीं होता। हर एक मेन्यू में आप देख सकते हैं जैसे कि स्टोरेज को अगर हम लोग छोड़ दें डिस्प्ले मेन्यू में या साउंड मेन्यू में आ जाए तो सारे सब हेडिंग ऊपर प्रोमिनेंट वे में यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। इनफैक्ट गाइस अगर आप यहाँ पे अबाउट फोन्स में आ जाए एंड्रॉइड वर्जन नेगलेक्ट कर ले तो आप देख सकते हैं ये जो एंटायर मेन्यू है ये काफी अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया गया है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं 2.3 ऑक्टावी ओएस ऑफिशियल एकदम ऊपर ही लिखा है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक K20 प्रो का लोगो भी देखने को मिल जाता है जिसमें कि आपका स्क्रीन रेजोल्यूशन एंड जो आपके यहाँ पे कोर्स है CPU के उन सभी के क्लॉक स्पीड मेंशनड है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे बैटरी इमेज कैमरा सेटअप स्नैपड्रैगन का आपका ये प्रोसेसर एंड जो आपका रैम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है वो भी शो होता है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सिक्योरिटी पैच है वो 5th अप्रैल 2021 का है जो कि एकदम से ही लेटेस्ट है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं ये जो रोम है ये बेस्ड है पर्फ कर्नल पर एंड एंड्रॉइड वर्जन है एंड्रॉइड 11 जो कि काफी ज्यादा ऑब्वियस है। अब चलिए बात कर लेते हैं नॉर्मल मेन्यूज के बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इंटरनेट्स एंड नेटवर्क्स में वाईफाई एंड जो मोबाइल नेटवर्क है ये एकदम प्रॉपरली वर्किंग है, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। इनफैक्ट यहाँ पे अगर एक डाउन पॉइंट है तो वो है इसका वाईफाई कॉलिंग। वाईफाई कॉलिंग बेसिकली इस रोम में ब्रोकन है तो मैं सारे जो यहाँ पे डाउन पॉइंट्स है उन सभी के बारे में मैं इस वीडियो के एंड में ही आपको वन बाई वन एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी जस्ट यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि यहाँ पे वाईफाई कॉलिंग ब्रोकन है एंड बाकी जितने भी फीचर है यहाँ पे नेटवर्क्स एंड इंटरनेट्स में सारे प्रॉपरली वर्किंग है। अगर बात कर ले यहाँ पे कनेक्टेड डिवाइस के बारे में तो ब्लूटूथ एकदम प्रॉपरली आपको वर्किंग देखने को मिल जाता है। सेम अगर बैटरी के बारे में बात कर ले तो बैटरी में भी आपको 7+ आवर का स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिल जाता है जो कि ह्यूजली इंप्रेसिव है। इनफैक्ट यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन भी प्रेजेंट है जैसे कि बैटरी कैपेसिटी करंट बैटरी कैपेसिटी एंड चार्ज साइकिल्स। अभी तक ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट मिल पाए। गाइस डिस्प्ले की बात कर ले तो डिस्प्ले में टिपिकली जितने भी यहाँ पे मेन्यूज है सारे एकदम प्रॉपरली वर्किंग है। अगर बात कर ले यहाँ पे स्टाइल्स एंड वॉलपेपर्स के बारे में तो आपको यहाँ पे क्लॉक स्टाइल देखने को मिल जाता है एंड आपको यहाँ पे एक ऑक्टावी के लिए डेडिकेटेड क्लॉक स्टाइल देखने को मिलता है जो कि इस अपडेट के साथ ही ऐड किया गया है। अब अगर बात कर ले यहाँ पे लॉक स्क्रीन के बारे में तो लॉक स्क्रीन में आप देख सकते हैं नाउ प्लेइंग का यहाँ पे एक ऑप्शन है लेकिन अनफॉर्चुनेटली नाउ प्लेइंग भी यहाँ पे काम नहीं करता इस रोम में। लेकिन अगर एम्बिएंट डिस्प्ले के बारे में बात कर ले तो एम्बिएंट डिस्प्ले में काफी सारे मेन्यूज यहाँ पे प्रोवाइडेड है एंड साथ ही में आपको ऊपर एक एनिमेशन भी देखने को मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे बैटरी लेवल को टर्न ऑन कर सकते हैं एंड वेन टू शो में यहाँ पे तीन ऑप्शन देखने को मिल जाता है ऑलवेज ऑन वेन चार्जिंग एंड ओनली ऑन न्यू नोटिफिकेशन।
फ्रैंकली आप इन मेन्यूज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन ऑक्टावी ओएस में सबसे ज़्यादा मुझे इलैबोरेटेड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले या फिर एम्बिएंट डिस्प्ले का मेन्यू मुझे देखने को मिला। गाइस आपको यहाँ पे क्लॉक स्टाइल का मेन्यू भी देखने को नीचे मिल जाता है, एंड साथ ही साथ आप यहाँ पे एंटी फ्लिकर मोड जो कि डिसेबलिंग है उसे भी ऑन कर सकते हैं। अगर बात कर लें यहाँ पे साउंड के बारे में तो साउंड एकदम प्रॉपरली वर्किंग है जैसे कि आप देख सकते हैं, एंड साथ ही साथ आपको यहाँ पे डायरेक्ट साउंड एनहांसर भी देखने को मिल जाता है जिसमें कि हाईफाई ऑडियो एकदम प्रॉपरली वर्किंग है। अब चलिए बात कर लेते हैं इस रॉम के सिक्योरिटी मेन्यू के बारे में। तो सिक्योरिटी मेन्यू में आप देख सकते हैं स्क्रीन लॉक में आपको यहाँ पे बायोमेट्रिक्स में फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक दोनों ही देखने को मिल जाता है। ऑल्सो इस रॉम में आपको ऐप लॉकर भी देखने को मिल जाता है जो कि क्वाइट इंप्रेसिव है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फिंगरप्रिंट एनिमेशन है वो भी एकदम प्रॉपरली वर्किंग है, एंड कभी कभार फिंगरप्रिंट थोड़ा सा मिस हो जाता है लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये काफी एक्यूरेटली रीड कर लेता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है रिगार्डिंग दैट। अब बात कर लेते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, वो है इस रॉम का कस्टमाइजेशन सेंटर ऑक्टावी लैब। तो ऑक्टावी लैब काफ़ी एक इंपॉर्टेंट मेन्यू है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्टावी थीमिंग स्टफ। तो यहाँ पे आप एक्सेंट कलर, डार्क थीम, बॉडी फॉन्ट, आइकन शेप सभी को यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। इनफैक्ट आप यहाँ पे स्विच अपीयरेंस को भी चेंज कर सकते हैं जो कि करंटली मैंने वन प्लस पे ही सेट करके रखा है। आप चाहे तो यहाँ पे नेविगेशन बार स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं, काफ़ी सारे नेविगेशन बार स्टाइल आपके लिए यहाँ पे प्रोवाइडेड है, लेकिन मैं करंटली जेस्चर में ही हूँ, मैं जेस्चर यूज़ करना पसंद करता हूँ तो ये काइंड ऑफ पॉइंटलेस है मेरे लिए, लेकिन अगर आप यूज़ करते हैं तो इट्स अ वेरी यूजफुल मेन्यू। जी मोड के बारे में बात करें तो जी मोड में आप यहाँ पे स्टेटस बार, हाइट, राउंडेड कॉर्नर एंड नैव बार कलर को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये मुझे काफ़ी बेहतर लगा, ये थीमिंग्स के मामले में ये रॉम काफ़ी इसे सीरियसली डील करता है। क्विक सेटिंग की बात करें तो क्विक सेटिंग में आप यहाँ पे पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड में कितने टाइल्स रहेंगे उन सभी को आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं एंड सिलेक्ट करके कस्टमाइज कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ आप यहाँ पे क्यूएस स्टाइल के टिंट को भी चेंज कर सकते हैं जो कि फिर से मैंने प्रेजेंटली ऑक्सीजन ओएस 11 पर सेट करके रखा है। लेकिन द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज यहाँ पे आप एंड्रॉयड 12 स्टाइल को भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी ये एंड्रॉयड 12 स्टाइल में ही है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे QS क्लॉक स्टाइल में। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि ऊपर आपको एक क्लॉक देखने को मिल जाता है, तो ये क्लॉक स्टाइल भी आप इसी मेन्यू से चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ स्क्रीनशॉट टाइप एंड यहाँ पे एम्बिएंट डिस्प्ले का मेन्यू भी आपको देखने को मिल जाता है। ऑक्टावी लैब में फिर से अगर बात कर ले लॉक स्क्रीन के बारे में तो लॉक स्क्रीन में भी आप देख सकते हैं काफ़ी सारे मेन्यूज हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉक स्क्रीन शॉर्टकट को आप चेंज कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ यहाँ पे लॉक स्क्रीन में फिंगरप्रिंट आइकन को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे वाइड वैरायटी ऑफ मेन्यू आपके लिए प्रोवाइडेड है। साथ ही साथ स्क्रीन ऑफ FOTP आपको इस रॉम में वर्किंग देखने को मिल जाता है प्रॉपरली, एंड यहाँ पे फिंगरप्रिंट एनिमेशन की बात कर ले तो वो भी आपको देखने को मिल जाता है, एंड काफ़ी सारे मेन्यूज आपके लिए यहाँ पे मौजूद है। अब चलिए बात कर लेते हैं बटन्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जेस्चर को आप यहाँ पे से चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम रॉकर्स के जो बटन है उन सभी को भी आप ट्विक कर सकते हैं, एंड पूरे वॉल्यूम पैनल स्टाइल को ही चेंज कर सकते हैं जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे टाइल्ड में करके रखा है, तो ये स्टाइल भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। अगर बात कर ले यहाँ पे नेक्स्ट ली स्टेटस बार के बारे में तो क्लॉक एंड डेट स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं, इनफैक्ट आप यहाँ पे बैटरी स्टाइल में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ और भी टिपिकल काफ़ी सारे मेन्यूज हैं जैसे कि वोल्टी आइकन, वो वाईफाई आइकन। वो वाईफाई आइकन थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंटलेस है क्योंकि वाईफाई कॉलिंग करंटली इस रॉम में डेड है। अब अगर बात कर ले मिसलेनियस के बारे में तो गेमिंग मोड एंड स्मार्ट पिक्सल्स जैसे फीचर्स आपको इस रॉम में देखने को मिल जाते हैं, एंड साथ ही साथ एम्बिएंट डिस्प्ले का जो ब्राइटनेस है उसे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं इसी मेन्यू से। तो लास्टली अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले सिस्टम मेन्यूज के बारे में तो पॉपअप कैमरा सेटिंग को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं जैसे कि कैमरा LED एंड साउंड। नेक्स्टली जेस्चर की बात कर ले तो जेस्चर में भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं जैसे कि अडॉप्टिव प्लेबैक, ये भी आपको इस रॉम में देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी सिस्टम अपडेटेड देखने को नहीं मिलता अनफॉर्चुनेटली। तो अगर आपको लेटेस्ट अपडेट को रिसीव करना है या अपडेट करना है तो आपको कस्टम रिकवरी से जाके ही करना पड़ेगा। सो अब चलिए बात कर लेते हैं इस रॉम के कुछ मेजर चेंजेस के बारे में जो कि इस अपडेट के साथ ही हमें देखने को मिल चुके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा ये जो सेटिंग का पूरा UI है ये इस अपडेट के साथ हमें देखने को मिला है जो कि अमेजिंग है, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगा। इनफैक्ट गाइस QS पैनल भी इस अपडेट के साथ पूरी तरह से चेंज हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा हम अभी QS पैनल को कन्फिगर कर सकते हैं इन कंपेरिजन टू द प्रीवियस अपडेट, तो ये भी पूरी तरह से न्यू है। अब बात कर लेते हैं और एक न्यू चेंज के बारे में। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि क्लॉक स्टाइल में आपको अब एक डेडिकेटेड ऑक्टावी OS का क्लॉक स्टाइल देखने को मिल जाता है जो कि क्वाइट अ बिट इम्प्रेसिव है।
अब बात कर लेते हैं कुछ और चेंजेस के बारे में, जैसे कि कैमरा एप्लीकेशन। तो कैमरा एप्लीकेशन में आपको यहाँ पे अभी न्यू एनिक्स कैमरा देखने को मिल जाता है जो कि एकदम प्रॉपरली वर्किंग है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब एनिक्स कैमरा में मैं एक छोटा सा बात यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ कि जब आप इस रॉम को फर्स्ट टाइम बूट करेंगे एंड एनिक्स कैमरा को ऑन करेंगे, तब आपका एनिक्स कैमरा जो है 3 बार क्रैश होगा। जैसे फर्स्ट टाइम अलाउ करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में, अलाउ होगा देन क्रैश होगा, फिर से अलाउ होगा देन क्रैश होगा, एंड थर्ड टाइम में आपका कैमरा जो है सक्सेसफुली यहां पे ओपन हो जाएगा एंड एकदम प्रॉपरली वर्क करेगा। अब बात कर लेते हैं कैमरा के फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे मोड में आपको व्लॉग मोड, 48 मेगापिक्सल मोड, नाइट मोड सब देखने को मिल जाता है एंड एकदम प्रॉपरली वर्किंग भी है। कैमरा में एज सच कोई भी ग्लिच मैंने अभी तक नोटिस नहीं किया, एकदम प्रॉपरली आप कैमरा को यूज कर सकते हैं, तीनों ही लेंस एकदम अच्छी तरीके से यहाँ पे काम करते हैं। तो ये भी इस अपडेट के साथ हमें न्यू देखने को मिल चुका है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जी एप्स के बारे में। तो बेसिकली ये जो बिल्ड है ये आपको यहाँ पे जी एप्स इंक्लूडेड मिलेंगे, इसका एक वैनिला बिल्ड भी आपको देखने को मिल जाता है। तो वैनिला बिल्ड में आपको एनिक्स कैमरा देखने को नहीं मिलता, अगर आप जी एप्स इंक्लूडेड बिल्ड को यहाँ पे चूज करेंगे तभी आपको एनिक्स कैमरा प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाएगा। तो ये चेंज हमें इस अपडेट के साथ देखने को मिल चुका है। एंड लास्टली गाइस, अगर हम लोग कुछ मेजर चेंजेस के बारे में बात कर ले तो ये एक काफी बड़ा इशू अभी इस अपडेट के साथ फिक्स हो चुका है, वो है कि पहले मैजिक फ्लैश करने पर आपका जो सेफ्टी नेट है उसमें एपीआई एरर होता था, लेकिन वो पूरी तरह से फिक्स हो चुका है। अब आप अगर मैजिक को फ्लैश करेंगे तब भी आपके सेफ्टी नेट में एपीआई एरर नहीं रहेगा, ये एक काफी क्रूशियल अपडेट है। एंड फिर भी अगर आप यहाँ पे सर्च करेंगे सेफ्टी नेट, तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि सेफ्टी नेट यहाँ पे एज सच आपको फेल्ड शो होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपका एपीआई फेल होगा। आप एकदम अच्छी तरीके से ही कोई भी ऐप यूज कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पे मैजिक में मॉड्यूल को फ्लैश कर सकते हैं, आपका एपीआई एरर नहीं होगा। ऑल्सो गाइस, इफ यू आर वंडरिंग, तो यहाँ पे आप एसबीआई योनो जैसे ऐप्स भी एकदम आराम से यूज कर सकते हैं, कोई भी एरर आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। एंड अगर बात कर ले अब कुछ डाउनसाइड्स के बारे में, तो यहाँ पे फर्स्ट बग जो मैंने यहाँ पे एनकाउंटर किया वो है कि सेकंड गूगल अकाउंट अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे अगर आप सर्च करेंगे अकाउंट्स, तो अकाउंट सर्च करने पर आप देख सकते हैं अबाउट फोन्स में अकाउंट का सेक्शन है जिसमें कि आप जस्ट अपने अकाउंट को यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्ले स्टोर में आके अपना कोई सेकेंडरी अकाउंट यहाँ पे ऐड करना चाहे तो जैसे कि यहाँ पे ऐड अनदर अकाउंट, तो आप देख सकते हैं चेकिंग इन्फो के बाद ही आपका जो सिस्टम यूआई है वो पूरी तरह से क्रैश हो जाता है एंड फिर से आप लॉक स्क्रीन में ही आ जाते हैं। तो ये एक एरर मैंने यहाँ पे नोटिस किया। अगर आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा गूगल अकाउंट ऐड करना है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लॉक स्क्रीन में कोई भी बायोमेट्रिक जो भी सेट है उसे रिमूव करना पड़ेगा एंड देन ओनली आप एक्स्ट्रा गूगल अकाउंट ऐड कर पाएंगे विदाउट एनी काइंड ऑफ एरर। अगर आपका फिंगरप्रिंट यहाँ पे ऑन रहेगा तो ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है वो क्रैश कर जाता है। ये काइंड ऑफ टेक्निकली एक वियर्ड ग्लिच है, लेकिन हाँ, आप गूगल अकाउंट को ऐड करके फिर से अपना बायोमेट्रिक सिस्टम ऑन कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। एंड सेकंड बग की बात कर ले तो यहाँ पे वाईफाई कॉलिंग जो है वो काम नहीं करता, जो कुछ लोगों को अनॉय कर सकता है, जैसे कि मैंने इस वीडियो के पहले पार्ट में भी बोल दिया है ऑलरेडी। एंड लास्टली, ये कोई बग तो नहीं है लेकिन हाँ, प्ले स्टोर में अगर आप यहाँ पे नेटफ्लिक्स को सर्च करेंगे तो प्ले स्टोर में नेटफ्लिक्स जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपको नेटफ्लिक्स यूज करना है तो आपको इसका एपीके बाहर से डाउनलोड करके देन इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब फाइनली चलिए बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। एज सच डेली यूजेज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी स्मूथ है ये रॉम एंड आपके डे टू डे टास्क को ये एकदम अच्छी तरीके से हैंडल कर सकता है। अब अगर बात कर ले गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में तो वो भी मुझे यहाँ पे काफ़ी बेहतर लगा, लेकिन हाँ, एकदम से टॉप नॉच नहीं है। डिवाइस थोड़ा सा यहाँ पे वार्म हो जाता है ज़्यादा गेमिंग करने पर एंड एकदम एक्सट्रीम ग्राफिक गेम ये अच्छी तरह से हैंडल नहीं करता, कुछ लैग्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे गीकबेंच को भी टेस्ट किया था, सिंगल कोर में है 631 एंड मल्टी कोर में है 2444, जो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा एवरेज स्कोर है। तो यहाँ पे आपको इससे यही डिपिक्ट होता है कि यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो आपको टॉप नॉच देखने को नहीं मिलेगा इस कर्नल में। एटलीस्ट आप चाहे तो यहाँ पे कस्टम कर्नल को फ्लैश कर सकते हैं, उससे आपका जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो सकता है। तो ये एक प्री रिलीज बिल्ड है जिसका रिव्यू मैंने आज किया, होपफुली आप सभी को काफी पसंद आया होगा। एंड गाइस, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम चैनल का आईडी देखने को मिल जाएगा, प्लीज वहां पे आप कनेक्ट हो जाइए। मैं इसका पोस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल में भी कर दूंगा जहां से आप लोग इसे एक्सेस कर पाएंगे। होपफुली ये रिव्यू आपको काफी अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप जरूर से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज प्लीज गाइस डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।